तो हम आ गए हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। ये आप देख सकते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क का बोर्ड लगा हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है एक, और ये पर्यटक काउंटर है जहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो शुल्क है निर्धारित, उसको भी पटाना है। और इसके खुलने के जो समय है वो देख सकते हैं, प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक है, और कुटुम्बसर गुफा के लिए 8 बजे से 3 बजे तक। और इसकी वेबसाइट भी है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। फीस की बात करें तो ये शुल्क जो है इसको आप देख सकते हैं, ये शुल्क है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर। और यहाँ पे सरकारी जिप्सी भी उपलब्ध है जो लगभग 1500 रुपये चार्ज है जिसका। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी, उसमें बहुत सारे वन्य जीव मिलते हैं, और आसपास जो गुफाएं हैं उसके भी नाम यहाँ पर दिए हैं। कुटुम्बसर है, कुटुम्बसर सूचना केंद्र, कुटुम्बसर गुफा, कैलाश गुफा, कांगेर धारा और दंडक गुफा, ये 5 पर्यटक स्थल हैं यहाँ पर। तो कुटुम्बसर गुफा और कांगेर वैली नेशनल पार्क जाने के लिए जो निर्धारित शुल्क है वो 6 लोगों का है, 1500 रुपये। 6 लोग जा सकते हैं एक जिप्सी में। इस जिप्सी में आपको ले जाएंगे और आसपास के क्षेत्रों में कुटुम्बसर गुफा के अलावा जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पर दिखाएंगे। जैसा जंगल सफारी वगैरह में जिप्सी होता है वैसा ही जिप्सी यहाँ पर बनाया गया है। नहीं बोल रहा था, बुलेट से आते हैं। गंगे धारा पहुंच गए हम, यही सब आए थे जो है क्या तो कांगेर धारा वाटरफॉल में हम पहुंच गए हैं, और दिखाता हूं आपको काफी नजदीक से। ये देख सकते हैं पत्थरों का जो कटाव है पानी के कारण काफी अद्भुत है। और पास से ले जाके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है। और ये जो है कांगेर धारा वाटरफॉल का नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं चट्टानों को, इनको काट के पानी बहता होगा बरसात वगैरह में। और ऊपर से जो नज़ारा है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है पूरा नज़ारा कांगेर धारा का। और ये एक वाटरफॉल जो बना हुआ है,
काफ़ी सुंदर है। हालांकि बहुत छोटा वाटरफॉल है पर सुंदर काफ़ी है। आसपास का क्षेत्र भी है जो पूरा वनों से घिरा हुआ है। और एक और वाटरफॉल बनता है इसके बाद। ये देख सकते हैं आप, पानी जो है काफ़ी साफ है यहाँ का। और जो वाटरफॉल कांगेर धारा वाटरफॉल है वो ऐसा प्रतीत होता है ऊपर से। तो जब भी आप यहाँ कांगेर घाटी नेशनल पार्क में आएँ तो इसको देखें ज़रूर, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है।